हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी पनीर टिक्के की रेसिपी। तो चलिए पनीर टिक्का बनाना करते हैं स्टार्ट। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर लिया है और इसे बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। आप काफ़ी थिक थिक और बड़े बड़े क्यूब्स लें, तभी जो है पनीर टिक्का बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो पूरा 400 ग्राम जो पनीर है इसको ऐसे ही हमें बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पनीर को कट कर लिया है। पनीर के साथ मैंने एक फुल साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है और मैंने यहाँ पे दो फुल साइज़ की अनियन को भी मैंने कट कर लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पनीर, शिमला मिर्च और प्याज का यूज़ करूँगी। और इन सारी चीज़ों को मैंने कट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून हीटेड मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी, यानी ये गरम ऑयल है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड कर, आधे कप मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। और दही एकदम थिक होना चाहिए और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एकदम थिक दही मैं यहाँ पे आधे कप ऐड कर रही हूँ। और अब मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले दही में। इसके बाद मैं यहाँ पे सारे पनीर के पीसेस जो हैं ऐड कर दूँगी। और ये जो पनीर के पीसेस हैं इन्हें मसाले में अच्छे से कोट भी कर लेना है। तो देखिए पनीर के पीसेस को मैंने यहाँ पे मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है। और ऐसे ही सारे पीसेस को कोट कर लेना है। देखिए मैंने सारे पीसेस को कोट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे पैन लिया है, इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और मैं सारे पीसेस जो हैं यहाँ पे रख दूँगी। जितने एक बार में पैन में जितने पीसेस आ जाएंगे सही तरीके से, क्योंकि हमें पलटना भी है पीसेस को, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं रखेंगे, इतने ही रखेंगे जितने अच्छे से हम पलट दें इसको। और अब जो है नीचे से अच्छे से ये सिक गए हैं, इनको पलट दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे से एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस से जो पीसेस हैं एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये जो पनीर टिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के रेडी होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे सारे पीसेस को पलट देंगे 1 बाय 1 करके। देखिए मैंने यहाँ पे सारे पीसेस को पलट दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गए हैं। और अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। और अब ये पीसेस काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए हैं, मैं सारे पीसेस को निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने सारे पीसेस को निकाल लिया है। और ये जो बाकी की बची हुई ग्रेवी है इसमें 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। और अब इस ग्रेवी के अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को भी अच्छे से कोट कर देंगे ग्रेवी में। और जो बाकी के जो पीसेस थे, यानी जो मैंने अभी जो पीसेस को अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, उनको मैं दोबारा से एक बार फिर से ग्रेवी में कोट कर लूँगी। और ग्रेवी में कोट करने के बाद मैंने यहाँ पे कबाब वाली सीख ली है। तो देखिए मैं यहाँ पे
अब पनीर के पीसेस को अच्छे से कोट करके और यहाँ पर एक मैंने अनियन का पीस लगाया है। तो मैं यहाँ पे सीक के अंदर वन बाय वन करके इन चीज़ों को ऐड कर दूंगी। अब मैं शिमला मिर्च का पीस लगा रही हूँ। शिमला मिर्च और प्याज का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर टिक्के में, तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें। तो देखिए सीक हमारी एकदम रेडी हो गई है और बस अभी बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी सामान इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इसको एक तरफ प्लेट में रख दे रही हूँ और ऐसे ही मैं बाकी की सीखों को भी तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने बाकी की सीखी भी तैयार कर ली हैं। तो हमारी तीन सीख जो हैं बनके रेडी हो गई हैं। और अब यहाँ पे गैस को हाई फ्लेम पे कर लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से। तो देखिए पनीर को मैंने पहले से ही इसको एकदम अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था पैन में, लेकिन अभी जो दोबारा से मैंने इस पर मसाला कोट किया है और ये जब हम इसको पकाएंगे तो ये मसाला जो है बहुत ही अच्छे से दोबारा से चिपक जाएगा और एकदम बहुत ही तंदूरी टाइप का फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए पनीर टिक्का हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।